हेलो व्यूअर्स, भारत की खोज को आपका स्वागत है। हर बार हमने किसी मंदिर या ऐसे किसी जगह के ऊपर रोचक तथ्य दिया है। इस बार आपके लिए लाए हैं एक ऐसा मंदिर के बारे में जानकारी जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। पहले भी आप सुने होंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में, आज हम उसी के ऊपर कुछ बातें करेंगे। कैसे हुआ था मंदिर का निर्माण? ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वो भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण त्रावणकोर के राजाओं के द्वारा करवाया गया था, जिसका उल्लेख 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में मिला है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1733 ईसाई में करवाया था। राजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक बताया और 1750 ईसाई में त्रावणकोर राजघराने ने अपना संपूर्ण जीवन और संपत्ति भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर अपने गुप्त तहखानों और खजानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 7 तहखाने हैं जो भगवान विष्णु के ठीक नीचे ही स्थित है। इन 7 तहखानों को चैम्बर ABCDEFG का नाम दिया गया है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन तहखानों को खोला गया। जून 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्नतत्व विभाग तथा अग्निशमन विभाग के 7 अधिकारियों का एक कमेटी बनाई तथा उन्हें निर्देश दिया कि इस मंदिर के तहखाने को खोले और उसमें रखी वस्तुओं का निरीक्षण करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब इन तहखानों को खोला गया तब यहाँ मिलने वाले खजानों ने सबको हैरान कर दिया, जिसमें शुद्ध सोने की सिक्के, मोहरे, आभूषण, वस्त्र आदि प्राप्त हुए, जिसमें 7 फीट लंबा गले का हार भी था। इसके अतिरिक्त हीरे, सोने के बर्तन, सोने के मुकुट, मूर्तियाँ आदि भी शामिल थे। चैम्बर भी तहखाने को छोड़कर सभी दरवाजे खोले जा चुके हैं। सभी तहखानों से अपार धन सोना चांदी प्राप्त हुए, जिसका अनुमानिक मूल्य लगभग 2200 करोड़ डॉलर थी, परंतु चैम्बर बी को खोलने में नाकाम रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चैम्बर बी को खोलने पर रोक लगा दी है। रहस्यमयी दरवाजा। इस मंदिर का 7वां तहखाना, जिसे चैम्बर बी भी कहा जाता है, दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस तहखाने में 3 दरवाजे हैं, पहला लोहे की छड़ों का, दूसरा लकड़ी का तथा तीसरा लोहे का, जो एक मजबूत दरवाजा है। आश्चर्य की बात है कि इस दरवाजे में ना कोई पेंच है, ना बोल्ट है, ना कोई कुंडी है, ना ही कोई ताला है। प्रवेश द्वार पर 2 सर्पों के चित्र अंकित है। कहा जाता है कि ये सांप ही इस तहखाने का संरक्षण करते हैं। माना जाता है कि इस तहखाने का द्वार अष्टनाग बंधन मंत्र या नागपाशम द्वारा बंद किया गया है, जिसे कोई नहीं जानता। इसे केवल गरुड़ मंत्र के स्पष्ट मंत्रोच्चारण के द्वारा ही खोला जा सकता है। 7वें तहखाने से जुड़े तथ्य। 1930 में एक लेख के आधार पर एमिली हैच के अनुसार 1908 में कई लोगों ने इस रहस्यमय तहखाने का दरवाजा खोला तो उन्हें तहखाने के भीतर कई सिरों वाला कोबरा दिखा, जिसके चारों ओर नागों का झुंड था। उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी जान बचाकर भाग गए। एक अन्य कथा है कि लगभग 136 वर्ष पूर्व तिरुवनंतपुरम में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। तब मंदिर के कर्मचारियों ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया था, परंतु उन्हें अचानक मंदिर में तेज शोर के साथ पानी की आवाज़ आने लगी और उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। माना जाता है कि यह दरवाजा अरब सागर से जुड़ा है। अगर कोई इस दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा तो अरब सागर खजाने को अपने साथ बहाकर ले जाएगा। त्रावणकोर के राजा ने बेशकीमती खजानों को छुपाया था, जिसके बाद हजारों वर्षों तक किसी ने इस दरवाजे को नहीं खोला और बाद में इसे शापित माना जाने लगा। कहा जाता है कि यदि किसी ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, प्रलय भी आ सकता है। माना जाता है कि इस दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। यदि कोई इसे खोलने का प्रयास करता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। टीपी सुंदर राजन वे व्यक्ति थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन तहखानों को
खुलवाने की याचिका दायर की थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, पहले वो बीमार हुए, उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। 1947 तक त्रावणकोर राजघराने का राज रहा। भारत विलय के पश्चात भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे से मुक्त रखा और त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया। मंदिर तथा इसकी संपत्ति की देखरेख तथा सुरक्षा एक निजी ट्रस्ट द्वारा की जाती है, जिसका अध्यक्ष शाही परिवार का कोई सदस्य होता था। किंतु अब सर्वोच्च न्यायालय ने शाही राजघराने द्वारा मंदिर प्रबंध की अध्यक्षता करने पर रोक लगा दी है। व्यूअर्स, हम ऐसे और रोचक वीडियो आपको देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।